वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे डिटेल के अंदर कि जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल की जाती है। जीएसटीआर 3B को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली तरीके से हम आज की इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर। रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको क्या करना है, वो पीरियड सिलेक्ट करना है जिसकी 3B हम लोग फाइल करने जा रहे हैं। मैंने यहां से अक्टूबर टाइम पीरियड का सिलेक्ट कर लिया। यहां से देखिए, और R1 हमारे पास ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, 3B हमें फाइल करनी है। यहाँ पे आपने ऑफलाइन कभी भी 3B नहीं बनानी। ऑफलाइन 3B बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। R1 हम लोग ऑफलाइन बना लेते हैं टैली के थ्रू। कैसे बनाते हैं इसकी एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों से शेयर बहुत जल्द करूंगी। 3B पे हम लोग टिक करते हैं। 3B पे टिक करने के बाद देखिए, ये सभी ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस पे टिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पे टिक करेंगे। यस पे आपको तब कब टिक करना है, देखिए जब आपके पास किसी भी तरीके की कोई आउटवर्ड सप्लाई ना हो, यानी कोई भी सेल सप्लाई आपने ना की हो, ठीक है, कोई भी टैक्स आपका पे करना ना बनता हो तो आप, और साथ ही साथ आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाई ना की हो। इनवर्ड सप्लाई यानी आपने कुछ भी परचेज ना किया हो और उसके ऊपर ITC भी आपने क्लेम ना करना हो, या आपके पास अदर कोई भी लायबिलिटी नहीं है इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी से रिलेटेड, ठीक है, ना तो आपने आउटवर्ड सप्लाई की, ना आपने कोई इनवर्ड सप्लाई यानी कोई परचेज की, और ना ही कोई इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी आपकी देनी बनती है। इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नील रिटर्न के ऊपर यस टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही रहने दें। नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब ये सभी टेबल्स मेरे पास हैं जिनको डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सबसे पहली टेबल क्या करे, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई। जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, आपको इनवर्ड सप्लाई पे कितना टैक्स पे करना है, ये सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए आउटवर्ड सप्लाई के जो हमारे पास ये टेबल कौन सी है, टेबल 3.1 जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यानी कि फर्स्ट यहाँ पे ए टेबल के अंदर, ए रो के अंदर आपके पास क्या आएगा, सभी के सभी आउटवर्ड सप्लाईज आएंगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो आउटवर्ड सप्लाईज नहीं आएंगी जिसके ऊपर 0 रेटेड टैक्स है, नील रेटेड टैक्स है या एग्जम्प्टेड है। अब आप देखेंगे ये ऑलरेडी जो कॉलम्स हैं ये फिलअप है। यहाँ पे देखिए ऑटो पॉपुलेटेड आपके पास 3B होती है, तो 3B ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली R1 और 2B के थ्रू आपकी 3B बन के आ जाएगी। आपको क्या करना है, उसमें चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपका एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें चेंजेस करने हैं। ऑटो पॉपुलेट होके 3B अपने आप से आएगी, ठीक है। इवन अब तो इंटरेस्ट भी अपने आप कैलकुलेट होकर के आता है, पेनल्टी भी अपने आप कैलकुलेट होकर के आती है, तो आपने ध्यान रखना है आपने इसमें चेंजेस करने हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे अदर देन 0 रेटेड और नील रेटेड जितनी भी सप्लाई है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आ जाएगी, IGST, CGST, SGST, सेस, ये आपको चेक कर लेना है अपने डाटा के हिसाब से। जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज हैं 0 रेटेड वाली, 0 रेटेड वाली आपको यहाँ पे लिखनी है, जितनी भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज आपने की थी 0 रेटेड सप्लाईज वाली, उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ लिख देंगे, IGST जो होगा वो लिख देंगे आप। नेक्स्ट आप देखेंगे नील रेटेड और एग्जम्प्टेड, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा, नील रेटेड एग्जम्प्टेड को आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनवर्ड सप्लाई इज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज यानी कोई ऐसी परचेज जिसके ऊपर RCM बेसिस पे आपने टैक्स पे करना है, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है, टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, IGST, CGST और SGST आपने लिखना है। कई बार ये टेबल अपने आप ही ऑटो पॉपुलेटेड होके आती है। अपने आप कैसे ऑटो पॉपुलेट होके आती है, देखिए जैसे ये वाला जो मेरे पास ए वाली थी, हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे।
ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए। देखिए ये मेरे पास यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई का जो केस है, इनवर्ड सप्लाई में ऑटो पॉपुलेट कब होगी, हमें क्या देखना है यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कब होगी अमाउंट, और यहाँ पे कब हमें अमाउंट डालनी है। इनवर्ड सप्लाई का सबसे पहले तो मतलब समझिए, जैसे कि मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन, मैं बात कर रही हूँ किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर जीटीए है, हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ली, तो इसके ऊपर आपको पता है आरसीएम लगता है। ठीक है, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाला जो पर्सन है, उसने जब अपनी R1 फाइल की, उसने जब अपनी R1 फाइल की, तो R1 फाइल करते टाइम जब उसने सप्लाई डाली, तो उसने सप्लाई ऐसे डाली कि सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, सप्लाई में रिवर्स चार्ज आए। ठीक है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। अब मैं आपको ये दिखा भी दूंगी प्रैक्टिकली कहां पे आता है, ताकि आपको अगर डालनी भी हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 का खर्चा डाला, ठीक है, 5% इसके अगेंस्ट क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। आपका जीएसटी नंबर डाल दिया वहां पे, आपका जीएसटी नंबर वहां पे दे दिया 5% में, 1,00,000 का बिल वहां पे दिखा दिया, तो 2500 सीजीएसटी 2500 एसजीएसटी वहां पे आ गया। लेकिन अब ये जो पैसा वहां पे डाला गया, ये ट्रांसपोर्टर की 3B में नहीं आएगा, ये ट्रांसपोर्टर की 3B में नहीं आएगा। इसका टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू तो ऑब्वियसली आएगी, लेकिन इसका टैक्स वहां पे नहीं आएगा, ये टैक्स आपकी 3B में आकर के खड़ा हो जाएगा। ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 2500। ये कहां पे आके खड़ा हो जाएगा, देखिए यहां पे आपकी इधर सीजीएसटी एसजीएसटी, मेरी बात समझ में आई, ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो यानी ऐसी सप्लाईज जो हमने परचेज की है और उसके ऊपर हमें क्या भरना है, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, तो यहाँ पे आपका 2500 आ जाएगा, 2500 आपका एसजीएसटी में आ जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये वाला टैक्स कौन सा था, ये टैक्स वो था जो सामने वाले ने ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर जनरेट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि जो जीटीए है वो अनरजिस्टर्ड हो, या अदर कोई ऐसी सप्लाईज हो जो अनरजिस्टर्ड से हमने ली हो और हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, ऐसे भी तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना। तो ऐसी अगर कोई सर्विसेज है जिस जो हमने परचेज की है, या अनरजिस्टर्ड ही जीटीए आप ले लीजिए उनसे ली है, और हमें खुद से अगर करना है, तो आपको खुद से R1 में तो वो आप दिखाएंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो आपने अपनी R1 में नहीं दिखाना। फिर से मैं आपको बता दूं आपने क्या किया है, अनरजिस्टर्ड जीटीए से फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ली, ठीक है, आपने सर्विसेज ली, अब आपके 3B में वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, पिछले वाली ऑटो पॉपुलेट हो रही थी, बट दीज सर्विसेज विल नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड, ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से दिखाना है इसको कहां पे, अपनी 3B में। आप अपनी R1 में इसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि R1 में हमारी सप्लाई जाती है, ठीक है, R1 में आप इसे नहीं दिखाएंगे, आप इसे सिर्फ अपनी 3B में दिखाएंगे। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 1,00,000 तो यहाँ डाल दूंगी, 2500 यहाँ पे, 2500 यहाँ पे, ठीक है। और अगर वो मैंने विद इन स्टेट ना लेकर के आउटसाइड स्टेट से लिए होते, तो यहाँ पे क्या आ जाते, 5,000 रुपए आ जाते। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये था मेरे पास इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। आगे अगर मैं देखूं नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर जीएसटी आता ही नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जो नॉन जीएसटी है, ठीक है। मैं एक वीडियो आप लोगों को जल्द ही शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी की, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए तीन चीजें आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी। बिल्कुल हम डेप्थ में जीएसटी को कवर करके चलेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको कोई दिक्कत ही ना हो, कि जीएसटी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कभी क्रिएट ही नहीं होगी, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल 3.11।
इसके अंदर देखिए ये जो टेबल है हमारे पास ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो हमारे पास नोटिफाइड पर्सन है उसके लिए टेबल हमारे पास दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखा हुआ, टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो ईसीओ टैक्स पे करता है वो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देगा। आप ईसीओ कौन सा टैक्स पे करता है ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे मैं बात करूं जोमैटो की, ठीक है, जोमैटो की अगर मैं बात करूं तो कोई भी पर्सन क्या करता है, जैसे कोई भी ये एक रेस्टोरेंट वाला है, ठीक है, या ऐसी कोई भी एक फूड स्टॉल है इस पर्सन की, क्या है एक फूड स्टॉल है, ये पर्सन जोमैटो के थ्रू क्लाइंट्स को, इन पर्सन को अपना सामान भेजता है, ठीक है। जोमैटो इससे सामान लेता है, सामान की डिलीवरी इससे लेगा और इसके बाद इन लोगों को वो सामान सप्लाई कर देगा। अब जितने का भी इसने सामान जोमैटो के थ्रू दिया इन पर्सन को, उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है, जोमैटो की। टैक्स विल बी पेड बाय हूम, पेड बाय जोमैटो, ठीक है जी। तो ये जोमैटो क्या है, दिस जोमैटो इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये जोमैटो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस पर्सन ने 5000 की सप्लाई की, ठीक है, इस पर्सन ने कितने की सप्लाई की, 5000 की, चलो 50 की लगा लो, 50000 की सप्लाई की, 50000 में से 15000 की सप्लाई इसने किसके थ्रू की, जोमैटो के थ्रू। 15000 की सप्लाई किसके थ्रू की, जोमैटो के थ्रू। और अपनी खुद की इसकी अदर सप्लाई कितने की है, 35000 की। अदर सप्लाई कितने की है, 35000 की। तो अगर मैं बात करूं जोमैटो, ये जो पर्सन है ये पर्सन बाकी बचे हुए कितने पे टैक्स देगा, ये बाकी बचे हुए 35000 पे टैक्स देगा, ठीक है, ये पर्सन बाकी बचे हुए 35000 पे टैक्स देगा। 15000 के ऊपर इसकी तरफ से इसके बिहाफ पे टैक्स कौन देगा, जोमैटो देगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई। यानी कि अगर आप अपनी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ओला उबेर इनके थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो पैसा है उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, उस सप्लाई के ऊपर टैक्स, वो ईसीओ टैक्स देगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें जोमैटो की बात करें तो जोमैटो यहां पे, जोमैटो आपके बिहाफ पे यहाँ पे दिखाएगा कि कितनी टैक्सेबल सप्लाई थी, 15000, और उसके ऊपर का टैक्स यहाँ पे शो कर देगा। मेरी बात समझ में आई, ये 15000, 15000 वो यहाँ दिखाएगा और उसके ऊपर का टैक्स आपका यहाँ पे आउट कर देगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इसका मैं पार्ट देखूं, अगर अब आपकी बात आती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ जोमैटो ने 15000 दिखाए क्योंकि वो एज अ ईसीओ इस टैक्स को पे कर रहा है, लेकिन जो उसकी खुद की सप्लाई होगी, खुद की सप्लाई, वो आउटवर्ड सप्लाई में ही दिखाएगा, जो उसकी फर्स्ट वाली टेबल थी उसी फर्स्ट वाली टेबल में ही वो दिखाएगा। यहाँ पे जो उसने अगर खुद की लगा के चलो कि 20 लाख की सप्लाई की, तो वो 20 लाख की सप्लाई वो यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन एज अ ईसीओ उसने जितनी बेस्ट, तो ये एज अ ईसीओ ही जोमैटो सारी सप्लाई करता है, लेकिन हर एक ईसीओ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। इस चीज को अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो देखिए जैसे जोमैटो है, जोमैटो ने टोटल जो सप्लाई की 25 लाख की, ठीक है, 25 लाख में उसने अपने डायरेक्ट जो सप्लाई की वो 20 लाख थी, ये डायरेक्ट सप्लाई है, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे जो एक उसका एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जो सप्लाई की वो 5 लाख की, ठीक है। तो जो डायरेक्ट सप्लाई वो कर रहा है अपनी, वो डायरेक्ट सप्लाई आप कहां दिखाएंगे, वो डायरेक्ट सप्लाई तो आप यहां पे दिखा देंगे, ठीक है, कॉलम ए में, लेकिन जो अदर सप्लाई वो कर रहा है वो आप कहां दिखाएंगे, यहां पे एज अ ईसीओ जो उसने सप्लाई की। यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जोमैटो कैसे दिखाएगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो तो जो वो अदर पर्सन है, ये जो फूड स्टॉल वाला है जिसकी फूड स्टॉल थी,
ये कैसे दिखाएगा, इसका भी हम समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने, देखिए कितना दिखाया था इसने, इसने 35,000 इसकी अदर सप्लाई थी और 15,000 इसकी सप्लाई थी कहां से, जोमैटो से। यहां तक समझ में आया? तो ये 15,000 अपने कहां दिखाएगा, देखिए इस जो सेकंड मेरे पास दे रखा है यहां पे रो, इस सेकंड रो में ये अपनी दिखा देगा सप्लाई। सेकंड रो में देखिए क्या लिखा है, टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई की, इन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज थ्रू इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ईसीओ के थ्रू जो हमने सप्लाईज की, जिसके ऊपर टैक्स कौन पे कर चुका है, ईसीओ ही पे कर चुका है, वो हम यहाँ दिखाएंगे। यानी वो जो पर्सन है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड सेलर, ठीक है, जिसने फूड स्टोर लगाई है, वो अपने 15,000 तो डाल देगा यहाँ पे, ठीक है, 15,000 यहाँ पे डाल देगा और बाकी बचे हुए कितने हैं उसके, 35,000 वो डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। तो जोमैटो ने किस तरीके से अपनी सेल दिखानी है और उस फूड स्टॉलर ने किस तरीके से अपनी सेल दिखानी है, आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं इसके, नेक्स्ट हम 3.2 टेबल पे आएंगे। 3.2 टेबल के अंदर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कॉम्पोजिशन, टैक्सेबल पर्सन को, यूआईएन होल्डर्स को, इनको अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, कौन सी सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, यानी सेम स्टेट के अंदर नहीं, हमने बाहर किसी स्टेट में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान भेजा है, या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, या यूआईएन होल्डर्स यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास है, ये यूआईएन नंबर किसके पास होता है, या तो सीटीपी के पास होता है या एनआरटीपी के पास होता है। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। सीटीपी क्या होते हैं, एनआरटीपी क्या होते हैं, अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है कि किस प्लेस ऑफ सप्लाई पे आपने उनको सर्विसेज दी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, आईजीएसटी डालेंगे, ध्यान रखिएगा स्टेट वाइज अलग अलग मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। सेम कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का ऐड करना है, सेम यूआईएन होल्डर्स का ऐड करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग इसको नहीं फाइल करते हैं, लेकिन आपको ये टेबल भी फिल करनी चाहिए, डाटा सारा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है जी। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इलिजिबल आईटीसी। इलिजिबल आईटीसी बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से आपने फाइल करना है। पूरी डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आईटीसी के टेबल के लिए मैंने इसका पार्ट टू डाला है, पार्ट टू आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी भी पूरी क्लैरिटी आ जाए। तो मिलते हैं गाइज पार्ट टू में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।